बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर खबर आ रही है कि जांच शुरू कर दी गई है। रेलवे सुरक्षा आयुक्त एएम चौधरी ने जांच शुरू कर दी है बालासोर रेल हादसे की। चश्मदीदों और रेलवे कर्मियों को आयुक्त ने बुलाया है पूछताछ के लिए। तो हादसा कैसे हुआ, इसके पीछे के क्या प्रमुख कारण थे, उसके पीछे अब फिलहाल जांच शुरू हो चुकी है और रेलवे सुरक्षा आयुक्त द्वारा ये जांच की जा रही है। और बहुत जरूरी भी है ये जानना कि आखिर किस कारण की वजह से इतने लोगों की जिंदगियां गई हैं। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और ये बेहद चिंता की बात है, क्योंकि देश के इतिहास में सबसे बड़े ट्रेन हादसों में से एक है ओडिशा बालासोर ट्रेन हादसा। और रेलवे सुरक्षा आयुक्त एएम चौधरी ने अब जांच शुरू कर दिया। हालांकि प्रथम दृष्टया ये बताया जा रहा था कि सिग्नल फेल्योर की वजह से यह हादसा हुआ है, लेकिन रेलवे विभाग की तरफ से अभी इस पर पूरी तरीके से क्लियर नहीं कहा गया है कि क्या कारण और भी हो सकते हैं। तो अभी फिलहाल जांच शुरू हुई है। हमारी सहयोगी कनिका जुड़ गई है हमारे साथ इस खबर पर। कनिका, बहुत जरूरी भी हो जाता है, इतिहास के सबसे बड़े रेल हादसों में से एक हादसा था ये, अभी फिलहाल जांच को लेकर और क्या जानकारी मिल पा रही है? लेकिन नंदनी, बिल्कुल जिस तरह से आपने जिक्र किया कि इतिहास में सबसे बड़ा एक हादसे के तौर पर देखा जाए, तो ये एक बहुत बड़ा हादसा है जिसको लेकर कल जो है रेल विभाग की ओर से और केंद्र सरकार की ओर से कहा गया था कि सीबीआई की पूरे मामले को लेकर जांच होगी। और हालांकि अभी तक की जो खबरें हैं वो यही है कि सीबीआई की जांच जो है वो लगभग शुरू हो चुकी है। अभी देखना होगा कि लगभग कितने समय तक ये जांच चलेगी और आखिरकार सीबीआई की जांच के बाद जो दोषी हैं उनके चेहरे सामने आएंगे और केंद्र सरकार उनको लेकर क्या कदम उठाएगी। फिलहाल अभी इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि पूरे मामले को लेकर जिस तरह से ट्रेन हादसा हुआ उसको लेकर जो है सीबीआई की जांच शुरू हो चुकी है। और कहा जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा कि जो भी इस पूरे मामले में दोषी है उसको सजा दी जाएगी और आने वाले समय में इस तरह की दुर्घटना ना हो उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। बिल्कुल कनिका, और इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष की तरफ से लगातार बयानबाजी हो रही है। रेल मिनिस्टर से विपक्ष सवाल कर रहा है, रेल मिनिस्टर के इस्तीफे की मांग कर रहा है इस पूरे मामले को लेकर। जरा विपक्ष द्वारा जो कुछ कहा जा रहा है उस बारे में भी डिटेल में बताएं। देखिए, बिल्कुल लगातार इस पूरे मामले को लेकर हम बात करें नंदनी, तो साफ तौर पे विपक्ष जो है लगातार जो है रेल मंत्रालय पे कहीं ना कहीं आरोप लगा रहा है, वहीं केंद्र सरकार को और मोदी सरकार को घेरता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार चाहे हम बात करें कांग्रेस की, ममता बनर्जी की पार्टी यानी कि टीएमसी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, तमाम विपक्षी पार्टियों ने ये आरोप लगाया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये मांग रखी है कि जिस तरह से पहले लालू यादव जब रेल मंत्री थे एक हादसा हुआ उनका इस्तीफा लिया गया था, ममता बनर्जी ने खुद अपना इस्तीफा दिया था, उसी तरह से अब जो है अश्विनी वैष्णव को भी अपना इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि पूरे घटनाक्रम की बात करें तो कहीं ना कहीं उसका आरोप जो है वो रेल मंत्रालय पे लगाया जा रहा है कि रेल मंत्री की लापरवाही की वजह से हुआ है। हालांकि देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक दुर्घटना हुई जिसमें कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी बनती है और बिल्कुल नैतिक जिम्मेदारी सरकार की बनती है, तो उसको लेकर लगातार चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, तमाम विपक्षी दल जो है वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। शुक्रिया कनिका। तो राजनीति तेज है इस मामले पर, लेकिन चिंता की बात यह है किस तरह के हादसे अब दोबारा ना हो इसे लेकर किस तरीके से तैयारी की जा रही है रेलवे विभाग, किस तरीके से ट्रैक्स को दुरुस्त करने से लेकर जो भी सिग्नलिंग समस्या थी, भले ही चूक कितनी भी छोटी या कितनी भी बड़ी हो, लेकिन इतना बड़ा हादसा नहीं होना चाहिए था। बेहद दर्दनाक हादसा ये जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है, 288 से भी ज़्यादा ये आंकड़ा हो चुका है। लगातार मरने वालों का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। तो उम्मीद अब यही है कि रेलवे अब जो चूक हुई उसे लेकर जाँच के बाद कार्रवाई के साथ साथ ये तय करे कि कैसे रेलों की सुरक्षा की जाए, कैसे रेलों की सुरक्षा के लिए बड़े कदम उठाए जाएं।